आज का जो बोर्ड होता है वो HP का होता है, जो कि 15 AC है और CPU शॉर्ट होता है उसका। तो मैंने CPU निकाल रखा है, देख सकते हैं, और इसमें शॉर्टिंग होती है। CPU निकालने के बाद इसको फिर क्लीन करते हैं फटाफट से। अब हम इसमें CPU लगाने वाले, ये वाला i5 4th जनरेशन का, ठीक है। फिर उसको फटाफट से मशीन पर सेट कर देंगे। सेट करने के बाद मशीन ऑन कर देंगे, उसके बाद निकाल लेंगे, देख सकते हैं प्रॉपर लग चुका है, बैठ गया है। फिर उसके बाद पावर देके ऑन करेंगे तो देख सकते हैं सक्सेसफुली ऑन हो गया है, और कीबोर्ड पे डिस्प्ले भी आ गई है, और ये बोर्ड फाइनली रिपेयर हो गया। ये इसका शॉर्ट वाला CPU है।